Hello everyone, myself Jasleen from DNA Education, and today we are going to start the 7th poem from Beehive, The Duck and the Kangaroo, which is written by Edward Lear. So, poem start karne se pehle hum thoda sa author ke bare mein jaan lenge. Edward Lear was born on 12th May 1812 and died on 29th January 1888 due to a heart disease. He was an English poet, author and illustrator. Edward was born into a middle-class family at Holloway in North London. So, if we talk about this poem, तो ये जो poem है, ये पूरी conversation है between a duck and the kangaroo. So, इन दोनों के बीच में एक conversation चल रहा है, किस तरह से ये लोग बात करते हैं, और duck जो है, वो बहुत ज़्यादा boring feel कर रही है अपनी जो है usual life से. वो चाहती है कि वो कैंगरू के साथ में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें. वो चाहती है कि कैंगरू जो है उसको एक राइड दे, अपनी बैक पे बिठा के वो चाहती है कि उसे एक राइड मिले, ताकि जो है वो अपनी यूजुअल ज़िंदगी से थोड़ा सा बाहर निकल सके. सो किस तरह से ये लोग बात करते हैं, क्या कॉन्वर्जेशन है इन लोगों के बीच में, सो अभी हम जो पोएम है उसी कॉन्वर्जेशन को हम पढ़ने वाले हैं. सो स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम, द डक एंड द कैंगरू. सेट द डक टू द कैंगरू, Good gracious, how you hop over the fields and the water too, as if you never would stop. My life is a bore in this nasty pond, and I long to go out in the world beyond. I wish I could hop like you, said the duck to the kangaroo. So hota kya hai? Said the duck to the kangaroo. Jo duck hai, wo kangaroo se baat kar rahi hai. Wo usko bolti hai, Good gracious. Good gracious is a kind of gesture, जैसे हम बोलते हैं oh my god, wow, इस तरह का एक gesture है. So वो बोलती है good gracious, how you hop, मतलब जिस तरह से तुम hop करते हो. So hop क्या होता है, basically word meaning यहाँ पर भी है jump करना, या फिर हम बोल सकते हैं hop होता है how you hop is moving by jumping, like the way kangaroo walks, जो उसके walk करने का तरीका है उसको hop करना बोलते हैं. हमने कितनी बार notice किया, जब भी हम even हम pictures में भी देखते हैं, अगर हमने live भी kangaroo देखा है आप में से किसी ने, so क्या होता है kangaroo जो है वो jump करता है. So उसको jump करके जिस तरह से वो walk करता है उसको बोलते हैं hop करना. तो वो कहती है good gracious, how you hop, कि जिस तरह से तुम hop करते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है. Over the fields and the water too, मतलब कि तुम fields के ऊपर भी hop करते हो, मतलब उसके walk करने की बात करें, जिस तरह से तुम jump करके walk करते हो तुम fields के ऊपर भी वो कर सकते हो, और तुम water के ऊपर भी hop कर सकते हो. उसके बाद वो बोलती है as if you never would stop, और ऐसा लगता है जैसे कि तुम कभी स्टॉप हो गए ही नहीं, तुम होते भी नहीं हो कभी स्टॉप, तुम जो है अपनी कॉन्टिन्यूसली तुम हमेशा से ऐसे हॉप करके ही चलते हो, और तुम आगे भी ऐसे ही चलते रहोगे. फिर वो कहती है माई लाइफ इज अ बोर इन दिस नेस्टी पॉन्ड. सो बोर यहाँ पे यूज़ किया गया है बिल्कुल ही बोरिंग लाइफ के लिए, कि उसकी जो लाइफ है उसमें कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, कुछ भी जो है एक्साइटिंग नहीं है, बहुत ही बोर है उसकी लाइफ. और नेस्टी पॉन्ड उसने यूज़ किया है यहाँ पर कि मतलब नेस्टी इज समथिंग विच इज़ बैड, और जो उसको नहीं पसंद है, अ काइंड ऑफ थिंग विच डिसलाइक्स बाय डक. तो वो कहना चाहती है कि ये जो तुम्हारा जहाँ पर मैं रहती हूँ ये तो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लाइफ है, एक इस पॉन्ड के अंदर, छोटे से पॉन्ड के अंदर मैं रहती हूँ, और ये बहुत मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है. वो ऐसा बोलती है, और वो कहती है एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड. वो कहती है मैं बाकी दुनिया देखना चाहती हूँ, मैं वर्ल्ड में और बहुत सारी चीज़ों को देखना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पर क्या है, मैं एक पॉन्ड के अंदर ही काफ़ी टाइम से हूँ, और मैं यहीं पर ही रहती हूँ, लेकिन मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे थोड़ी अपनी बोरिंग ज़िंदगी से थोड़ी सी एक्साइटमेंट चाहिए, थोड़ा सा मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ें करनी है. और वो कहती है कि मुझे बाहर घूमना है, मुझे वर्ल्ड देखना है. फिर उसके बाद वो बोलती है कि आई विश आई कुड हॉप लाइक यू, जैसे तुम हॉप करते हो. वो कहती है कैंगरू को कि जिस तरह से तुम हॉप करते हो, आई विश मैं भी उस तरह से हॉप कर पाती, मैं भी उस तरह से जंप करके वॉक कर पाती. फिर कहती है सेड द डक टू द कैंगरू, मतलब इस तरह ये जो बात है ये डक जो है ये कैंगरू से कर रही है. उसके बाद प्लीज गिव मी अ राइड ऑन योर बैक, सेड द डक टू द कैंगरू. आई वुड सिट क्वाइट स्टिल एंड से नथिंग बट क्वैक द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू, एंड वी डिड गो टू द डी एंड द जेली बू ली ओवर द लैंड एंड ओवर द सी, प्लीज टेक मी अ राइड ओ डू, सेड द डक टू द कैंगरू. तो होता क्या है इसके बाद में,
जो डक है वो फिर कैंगरू से बोलती है, कहती है प्लीज गिव मी अ राइड ऑन योर बैक. वो चाहती है, वो उसको बोलती है कैंगरू को कि मुझे एक राइड दो, मुझे थोड़ा सा घुमा के लाओ अपनी बैक पे बिठा के. आई वुड सिट क्वाइट स्टिल. वो कहती है कि मैं बिल्कुल शांति से बहुत काम होके बैठूंगी, मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलूंगी. अगर मैं कुछ बोलती भी हूँ सो वो कहती है एंड से नथिंग बट क्वैक. क्वैक क्या है? जो साउंड है डक का, जिस तरह से वो बात करती है सो उसको क्वैक बोलते हैं. सो वो बोलती है कि मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं बहुत शांति से बैठूंगी, अगर मैं कुछ बोलूंगी भी सो मैं सिर्फ क्वैक बोलूंगी, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी. फिर वो कहती है द होल ऑफ द डे, द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू. कहती है मुझे पूरा दिन जो है मुझे तुम्हारे साथ घूमना है, मुझे अपनी बैग पे बिठा के पूरा दिन घुमाओ. फिर वो कहती है कि एरिन वी डिड गो टू द डी एंड द जेली बेली एंड द जेली बूली. सो जेली और जो डी और जेली बूली है ये कोई भी जगह के नाम नहीं है. वो कहती है कि मुझे घूमना है पूरा दिन, और वो दो जगह के नाम बताती है, डी और जेली बूली. इन जगहों पे उनको घूमना है, ऐसा डक बोलती है. लेकिन एक्चुअली में अगर हम बात करें तो ये जो डी है और जो जेली बूली है ये किसी भी तरह की कोई भी जगह के नाम नहीं है. ये सिर्फ एक इमेजिनरी फैंटेसी कह सकते हैं या फिर एक इमेजिनरी डेस्टिनेशंस हैं, जगह हैं, प्लेसेस हैं ये, जो कि पोएट की, मतलब कह सकते हैं हम कि पोएट की इमेजिनेशन उन्होंने डेस्टिनेशंस बताई हैं. वो कहते हैं कि जो डक है वो कहाँ घूमना चाहती है, डी और जेली बूली. लेकिन एक्चुअली में कोई भी ऐसी जगह नहीं है, ये सिर्फ इमेजिनरी डेस्टिनेशंस हैं. ओवर द लैंड एंड ओवर द सी. वो कहती है मुझे लैंड पे भी घूमना है, मुझे सी पर भी घूमना है. प्लीज टेक मी अ राइड ओ डू. तो वो कहती है मुझे लेके चलो एक राइड पे और मुझे तुम्हारे साथ जाना है. सेड द डक टू द कैंगरू. जो डक है वो कैंगरू से बोलती है कि मुझे अपने साथ राइड पे लेके चलो, मुझे अपनी बैग पे बिठाकर लेकर जाओ, मुझे घूमना है. उसके बाद आगे पढ़ते हैं. सेड द कैंगरू टू द डक दिस रिक्वायर्स सम लिटिल रिफ्लेक्शन. परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन विच इज If you will let me speak so bold, your feet are unpleasantly wet and cold and would probably give me the rheumatis, said the kangaroo. तो क्या बोलता है यहाँ पर? Said the kangaroo to the duck. जो kangaroo है वो duck से कहता है this requires some little reflection. रिफ्लेक्शन यहाँ पे यूज़ किया गया है थॉट के लिए. वो कहता है कि इस बात के बाद में मेरे दिमाग में एक थॉट आया है, मुझे कुछ आई हैव अ थॉट. वो ऐसे बोलता है और कहता है कि परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक. वो कहता है हो सकता है कि इसके बाद ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा हो, मेरे लिए अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है मेरे लिए लकी भी हो जो तुम मुझे करने के लिए बोल रही हो. मैं करना चाहता हूँ, मैं करूँगा भी, हो सकता है मेरे लिए लकी भी हो. एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन. वो कहता है कि मुझे चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिर्फ एक ऑब्जेक्शन है. ऑब्जेक्शन होता है जब हम किसी को मना करना चाहते हैं किसी चीज़ के लिए. तो वो कहती है कि वो कुछ नहीं है मुझे, आई हैव अ सिंगल रीज़न टू डिसअग्री. और वो रीज़न बताता है उसके बाद में, वो रीज़न क्या है, विच इज़ If you will let me speak so bold. वो कहता है कि अगर तुम मुझे खुल के बोलने दोगी, so bold मतलब वो कहना चाह रहा है कि अगर तुम मुझे खुल के एक frankly, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि हम आपस में इसे दो, अगर हम बात करें फ्रेंड्स से, सो वो कहते हैं कि अगर मैं frankly बात करूँ, मतलब अगर मैं खुल के बात करूँ, तो ऐसे ही kangaroo बोलता है duck से कि अगर तुम मुझे खुल के बात करने दोगी सो मैं एक बात कहना चाहता हूँ. सो वो क्या बोलना चाहता है, उसको क्या ऑब्जेक्शन है? योर फीट आर अनप्लेजेंटली वेट एंड कोल्ड. सो वो कहना चाहता है कि जो उसके फीट हैं, अनप्लेजेंटली समथिंग विच इज थोड़ा सा जो है कैंगरू को लाइक डिसकम्फर्टेबल लगता है, उसको अच्छा नहीं लगता है. क्यों उसको अच्छा नहीं लगता है? वो कहते हैं कि जो तुम्हारे जो फीट हैं वो बहुत ज़्यादा वेट हैं, वो बहुत क्योंकि उस बहुत ज़्यादा गीले हैं और बहुत ज़्यादा ठंडे हैं. तो वो कहना चाहता है कि ये चीज़ मुझे थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट कर दिए, मैं बस यही मुझे एक छोटी सी प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि जो तुम्हारे फीट हैं वो अनप्लेजेंटली वेट है और कोल्ड हैं, तो जिसके कारण मुझे सिर्फ एक छोटा सा ऑब्जेक्शन है, इसी जो यही रीज़न है जिसके कारण मैं तुम्हारे साथ में नहीं जा सकता हूँ. एंड वुड प्रोबेबली गिव मी द रूमेटिस, सेड दी कैंगरू. तो ये जो रूमेटिस है ये दोनों एक ही वर्ड है. क्या कहना चाहता है यहाँ पर? वो कहना चाहता है कैंगरू
कि जैसे तुम्हारे जो फीट हैं बहुत ज़्यादा वेट हैं, बहुत ज़्यादा कोल्ड हैं, तो कुछ नहीं है इससे मुझे प्रॉब्लम ये है कि इससे मुझे एक डिसीज़ होती है रूमेटिस, जिसका मेजर कॉज क्या होता है कि उससे जॉइंट्स में पेन होता है। तो वो कहना चाहता है कि मुझे जो ये रूमेटिस डिसीज़ है, मुझे ये डिसीज़ हो सकती है। सो यही रीज़न है कि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी बैक पे बैठ के तुम मेरे साथ घूमने चलो। सो उसके बाद में अब देखते हैं कि कैंगरू ने डक को अपनी प्रॉब्लम बता दिया। अब डक जो है वो क्या बोलती है आगे से और किस तरह से कन्विंस करती है, क्या कोशिश आगे वो उसको कन्विंस करने की कोशिश करती भी है नहीं करती है, आगे देखते हैं। सो उसके बाद होता है, सेड द डक, एज आई सैट ऑन द रॉक्स आई हैव थॉट ओवर दैट कम्प्लीटली एंड आई बॉट 4 पेयर्स ऑफ वर्स्टेड सॉक्स विच फिट माई वेब फीट नीटली and to keep out the cold I have bought a cloak and every day a cigar I'll smoke all to follow my own dear true love of a kangaroo। so आगे जो है वो convince करने की कोशिश करती है जो duck है kangaroo को, वो क्या बोलती है, कहती है as I sat on the rocks, जब मैं rocks पे बैठी हुई थी I have थॉट ओवर दैट कम्प्लीटली, मेरे माइंड में भी ये थॉट आया था, मैंने भी इस बारे में सोचा था और मुझे लगा था कि हाँ, जो मेरे दिमाग में भी चीज़ें आई थी कि हो सकता है कि जो मेरे फीट हैं वो अनप्लेजेंटली बहुत ज़्यादा कोल्ड हैं और वेट हैं, जिसके कारण हो सकता है कि तुम्हें ये रूमेटिस कोल्ड डिसीज हो सकती है, मैंने इस बारे में बहुत सोचा था। एंड आई बॉट फोर पेयर्स ऑफ वर्स्टेड सॉक्स। तो वो कहती है कि मैंने इस बारे में बहुत अच्छे से सोचा था और मैंने इसका सोल्यूशन भी निकाला है, और वो सोल्यूशन वो उसको बताती है, कहती है सोल्यूशन उसका ये कि मैंने वर्स्टेड सॉक्स जो होते हैं, वर्स्टेड इज़ अ वूलन जैसे बोलते हैं, बहुत हम लोग ज़्यादातर विंटर्स में वो सॉक्स यूज़ करते हैं, बिल्कुल वूलन होती है जिसमें जो है हमें ठंड नहीं लगती है। तो वो कहती है मैंने 4 पेयर्स खरीदे हैं उन वर्स्टेड सॉक्स के, और हम उन्हीं जो मैं उन सॉक्स का यूज़ करूँगी, मैं उन सॉक्स को पहनूंगी टू कीप माई सेल्फ वॉर्म। फिर वो कहती है विच फिट माई वेब फीट नीटली, मतलब जो फीट होते हैं डक के वो वेब डिज़ाइन में होते हैं। तो वो कहते हैं कि जो मैं अपने मेरे वेब फीट पे बिल्कुल वो जो है कंफर्टेबली आ गए हैं, मतलब मुझे जो है वो, सो वो कहती है कि जो, सो क्या कहती है वो बोलती है कि जो ये वर्स्टेड सॉक्स है, जो वुलन सॉक्स हैं, ये मुझे बहुत अच्छे से आ गए हैं, मुझे फिट है, तो मैं इनका यूज़ करूँगी, मैं इनको पहनूंगी टू कीप माई सेल्फ वॉर्म। फिर वो कहती है And to keep out the cold, I have bought a cloak. तो वो कहती है कि मुझे अपने आप को, ताकि मैं अपने आप को ठंड से भी बचा सकूँ, तुम्हें भी ठंड ना लगे, उसके लिए मैं एक चीज़ और करूँगी कि मैंने क्या किया, मैंने एक जो है क्लॉक भी खरीदा है। क्लॉक होता है अ काइंड ऑफ गारमेंट, अ काइंड ऑफ क्लोथ जो कि हम पहनने में यूज़ करते हैं। आपने कितनी बार देखा होगा उसका, मतलब उसकी कोई लाइक बोलते हैं कि बाजू नहीं होती है, उनमें स्लीव्स नहीं होती हैं, वो एक काइंड ऑफ हम स्टॉल भी कह सकते हैं, वो स्टॉल की तरह हम उसको सर्दियों में हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर। तो वो कहती है कि मैंने एक क्लॉक भी ख़रीदा है एंड एवरी डे अ सिगार आई स्मोक, वो कहती है कि और मैं सिगार भी डेली जो मैं स्मोक करूँगी सिगार, एंड टू फॉलो माय ओन डियर ट्रू, कि तुम ये सब मैं किसी के लिए नहीं कर रही हूँ, ये सब जो है मैं अपने माई डियर फ्रेंड, मेरे सच्चे दोस्त, मेरे ट्रू फ्रेंड के लिए, कैंगरू के लिए कर रही हूँ। तो वो इस तरह से उसको कन्विंस करने की कोशिश करती है, लव ऑफ कैंगरू। वो कहती है ऑल टू फॉलो माई ओन डियर ट्रू फ्रेंड, वो कहती है ऑल टू फॉलो माई ओन डियर ट्रू लव ऑफ कैंगरू, कि मैं सिर्फ और सिर्फ ये कर रही हूँ अगर, तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही ये कर रही हूँ, बिकॉज यू आर माई ट्रू फ्रेंड, यू आर माई ट्रू लव। तो वो इस तरह से उसको कन्विंस करने की कोशिश करती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या होता है, देन सेड द कैंगरू I am ready, all in the moonlight pale, but to balance me well, dear duck, sit steady and quite at the end of my tail. So away they went with a hop and a bound, and they hopped the whole world 3 times round. And who so happy, oh who, as the duck and the kangaroo. So इसके बाद जो है लास्ट स्टैंजा है ये पोएम का, इसमें क्या होता है,
जो कैंगरू है फिर वो डक से बोलता है आई एम रेडी, मैं बिल्कुल रेडी हूँ तुम्हारे साथ चलने के लिए, अब मैं बिल्कुल तैयार हूँ क्योंकि तुमने मुझे कन्विंस कर लिया है। और अब जो है कैंगरू भी देखता है हाँ जो डक है उसने बहुत सारे प्रिकॉशंस लिए हैं, वो मेरी केयर भी करती है, सो अब वो बिल्कुल रेडी है उसके साथ जाने के लिए क्योंकि उसको एक सिंगल जो था ऑब्जेक्शन था और उस अब वो भी सॉल्व हो गया है। तो अब जो कैंगरू है वो डक के साथ जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब वो कहते हैं All in the moonlight pale. अब वो कब जाएंगे? In the moonlight pale. Pale used for weak. तो weak moonlight का मतलब है कि जब moonlight इतनी ज़्यादा नहीं होगी, मतलब a kind of थोड़ा सा जिस time शाम होगी उस time पे हम लोग चलेंगे, जिस time पे moonlight थोड़ी सी weak होगी। तो वो कहता है कि हम moonlight pale, मतलब जब weak moonlight होगी, थोड़ी सी अभी moonlight कम होगी उस time पे ही हम चलेंगे। बट टू बैलेंस मी वेल, लेकिन मैं ताकि हम बैलेंस मुझे खुद को बैलेंस रखना पड़ेगा और बैलेंस करने के लिए तो कहते हैं डियर डक सिट स्टडी। तो वो कहते हैं लेकिन तुम थोड़ा ढंग से बैठना, ढंग से मतलब फर्मली बैठना, स्टडी मतलब फर्मली और या फिर स्ट्रांगली एकदम कस के अच्छे से बैठना। कहाँ उसके बाद वो बोलता है एंड क्वाइट एंड द एंड ऑफ माई टेल, वो कहता है कि मेरी टेल के बिल्कुल एंड पे तुम अच्छे से बैठ जाना। So went away, they went with a hop and a bound. So क्या होता है उसके बाद में, कैंगरू जो है वो bound होता है बहुत जल्दी जल्दी hop मतलब चलने के लिए। So वो क्या करता है कैंगरू, वो जल्दी जल्दी जो है वो hop करके अपना चलना शुरू करता है and they hop the whole world 3 times round। और वो कैंगरू और जो duck है वो पूरे world के 3 rounds लगाते हैं। And who so happy or who? तो उसके बाद में क्या वो बोलते हैं कि और अब कौन सबसे ज़्यादा खुश होगा, डक एंड दी कैंगरू। सो कौन सबसे ज़्यादा खुश होगा। यहीं पर जो है हमारी जो पोएम है ये ख़त्म हो जाती है। सो नाउ अब हम बात करते हैं इस पोएम में जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ हुए हैं। सो सबसे पहले जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुआ है इस पोएम में वो है रिफ्रेन। रिफ्रेन किसको बोला जाता है, जब म्यूज़िकल जो है मतलब म्यूजिकल राइम में सेंटेंसेस यूज़ किए जाते हैं किसी भी चीज़ को समझाने के लिए, मतलब म्यूजिकल राइम में सेंटेंसेस को समझाना। सो रिफ्रेन यूज़ हुआ है। अगर हम बात करें फर्स्ट लाइन में देखें, सेट द डक टू द कैंगरू, जिस तरह से ये राइम बनाई गई है, जिस तरह से पोएम लिखी गई है, इसमें ज़्यादातर जो है रिफ्रेन लिटरेरी डिवाइस का ही यूज़ हुआ है। इसके बाद बात करते हैं एनाफोरा की। एनाफोरा किसको कहते हैं, हमने पहले भी बात की थी कि जब दो कॉन्जिक्यूटिव लाइन्स जो हैं वो सेम लेटर से स्टार्ट होती हैं तो उसको एनाफोरा बोलते हैं। सो अगर हम बात करें एनाफोरा की तो ये हमें फिफ्थ स्टांजा में देखने को मिलता है, लास्ट सेकेंड और लास्ट थर्ड लाइन में। एंड दे हॉप्ड द होल वर्ल्ड 3 times round एंड हु सो हैप्पी ओ हु। तो यहाँ पर एंड से दोनों शुरू हो रहे हैं, यहाँ पर जो है एनाफोरा लिटरेरी डिवाइस का यूज़ किया गया है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन हमने पहले भी बात की है, एलिट्रेशन होता है जब दो साउंड सेम साउंड से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स जो हैं बहुत क्लोजली प्लेस्ड होते हैं, सो वहाँ पर उसको बोला जाता है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन हमने फर्स्ट स्टैंजा में हमने कई जगह पर देखा, सबसे पहले तो सेकेंड लाइन में है गुड ग्रेशियस, दोनों का जो साउंड है वो ग है और बहुत ही क्लोजली प्लेस्ड है। उसके बाद सेकेंड लाइन में ही गुड ग्रेशियस हाउ यू हॉप, मतलब इसमें भी एलिट्रेशन यूज है हाउ हॉप, सेम स्टार्ट है हर से हाउ यू हॉप। सो ऐसे ही आगे भी काफ़ी सारी जगह पर जो है ये लिटरेरी डिवाइस का यूज़ हुआ है एलिट्रेशन का। सेकेंड स्टैंजा में थर्ड लाइन में भी है, आई वुड सिट क्वाइट स्टिल, सर सिट का और स्टिल का यहाँ पर भी एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है। इसके बाद हम नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस की बात करते हैं जो है एंजैम्बमेंट। एंजैम्बमेंट हमने पहले भी बात की है, एंजैम्बमेंट कब यूज़ होता है, जब दो जो लाइंस हैं मतलब एक लाइन जो है बिना कंप्लीट हुए बिना किसी पंक्चुएशन के जो है सेकंड लाइन पे आ जाती है, मतलब कि जो फर्स्ट लाइन है वो सेकंड लाइन के बिना इनकम्प्लीट है, जब पहली लाइन जो है उसमें कोई पंक्चुएशन यूज़ नहीं होता और सीधा जो है पोएम सेकंड लाइन पे जंप करती है तो उसको हम बोलते हैं एंजैम्बमेंट। जैसे कि अगर हम इसमें बात करें एंजैम्बमेंट की, सो एंजैम्बमेंट इस पोएम में काफ़ी जगह पर यूज़ हुआ है। अगर हम बात करें फोर्थ स्टैंजा में थर्ड लाइन, एंड आई बॉट 4 pairs of worsted socks, लाइन कंप्लीट नहीं है,
फिर नेक्स्ट लाइन पर आ गए विच फिट माई वेब फीट नीटली. सो यहाँ इसके बाद जो ये लाइन है पूरी कंप्लीट हुई है कि मैंने 4 पेयर्स जो है वर्स्टेड सॉक्स के, वुडन सॉक्स के खरीदे हैं जो कि मेरे पैर पे, मेरे फीट पर बिल्कुल नीटली फिट होते हैं. सो इसको बोलते हैं एंजैमेंट और ये लिटरेरी डिवाइसेस इसमें यूज़ किए गए हैं. इसके बाद अगर हम बात करें राइमिंग स्कीम की, सो हर एक स्टैंजा में डिफरेंट राइमिंग स्कीम का यूज़ हुआ है. सो फर्स्ट जो स्टैंजा है उसमें जो राइमिंग स्कीम यूज़ हुई है वो है ए बी ए बी सी सी ए ए. सेकेंड स्टैंजा में यूज़ हुई है ए बी सी सी बी बी. ऐसे ही थर्ड स्टैंजा में यूज़ हुई है ए बी सी सी डी डी. और फोर्थ और फिफ्थ में भी सेम यूज़ हुई है ए बी सी सी डी डी. सो ये जो है राइमिंग स्कीम इस पूरे पोएम में यूज़ हुई है. सो आप इन सबको जो है नोट्स बना सकते हैं. मैंने यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स क्लियर करने की कोशिश की है. अब जो है हमारी ये पोएम भी कंप्लीट हो जाती है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड द पोएम एंड द पॉइंट्स विच एवर आई हैव क्लियर्ड हेयर. एंड वेन एवर यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन योर क्वेश्चन आंसर्स, सो आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आई होप आपको नहीं आएगी. एंड विच एवर द पॉइंट्स आई हैव क्लियर्ड हेयर आर वेल डिस्कस्ड इन आर DNA बुक्स एंड गाइड्स. So for more updations, for more information, you can go to our website www.dnaeducation.com. Thank you so much.